subscribe to Shimaru Shorties and click the bell icon to never miss an update. Sir, Neeta Mem Sahab ka phone hai. Hello. Daddy ki tabiyat kaisi hai, uncle? देखो बेटी, उनको बहुत गहरा दिली सदमा पहुंचा है। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस लौटाओ। नहीं अंकल, मैं मजबूर हूँ। मैं जान सकता हूँ ऐसी कौन सी मजबूरी है? मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारे पिताजी तुम्हें खर्ची के लिए हर रोज 500 रुपए देते थे। हमारी इस बेटी की मुंह दिखाई के लिए वो कम से कम 50,000 रुपए तो देंगे ना? हम कब तक फकीरों की तरह जिंदा रहे? No, we need money. At least I do. मैं इस मासूम बच्ची का चेहरा उन्हें दिखाकर जो चाहूं उनसे मांग सकता हूं। वो हम सबको छोड़कर चले गए, जलकर राख हो गए, लेकिन एक बात अधूरी छोड़ गए। ये जो नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा ना इस बुड्ढे की गोदी में, इसकी परवरिश करने का हक सिर्फ मुझको है, आपको नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये प्यारी सी बच्ची आपके पास रहे, तो हम दोनों आपस में पैसे का कुछ समझौता कर लेते हैं। बोल, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जितना मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम हमें कभी अपना मुंह नहीं दिखाना। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। हाँ यार, तूने मुझसे मेरी बेटी छीन ली, लेकिन तू देखना, मैं अपनी इस बेटी के लिए एक नई दुनिया बसाऊंगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ जमाने की गंदी हवा ना हो। मेरे यार, तू देखना है, तू देख। गाड़ी रोको, चलो। लेकिन मैम साहब, हमने कह दिया ना टक्कर मार के उड़ा दो। ड्राइवर जरा 5,000 रुपए दो। अरे मैम साहब, फिर टक्कर मारने कब आओगी? पिंकी की शादी होगी कल, वो इस घर से चली जाएगी, ये जगह कितनी सुनसान हो जाएगी। अरे पहले पिंकी की शादी तो हो जाने दे। हम शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इसे छोड़ो, अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। बचपना छोड़ो और मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटी। अगर आपने हमसे जबरदस्ती की ना, तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। डैडी, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ये तुम्हारे अंधे प्यार की अंधी जिद है बेटी। ये मेरी जिद नहीं, मेरे प्यार का फैसला है। राय बहादुर, राय बहादुर, अरे क्या हुआ? हाँ, पिंक, पिंकी कहाँ है? अरे पिंकी को तुमने थप्पड़ मारा, वो चली गई। नहीं 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 यार, नहीं यार, मैं तो नीता के ख्याल में था। मेरे यार, मैं पिंकी को कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ? अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत बड़ा लफड़ा है। लड़की घर माँ के लिए तो कभी कुछ सोचता ही नहीं। ओहो माँ, चल आज से तेरा ये टैक्सी ड्राइवर अपना टाइम टेबल बना लेगा। मौसी, मैं क्या कह रहा था, बाहर गाड़ी में लड़की। ये तो वही लड़की है। ले ले। अरे माँ, वैसे तू ले लेना। ज्योतिष ने ठीक ही कहा था कि लड़की के चक्कर में पड़ो मत। क्या चुप सोई है?
तो मेरे घर में घुसकर मुझसे ही पूछ रही हो कि मेरी माँ कौन है? तू जा यहाँ से। तुम कौन हो बेटी? पिंकी। आहा, तुम अपने घर से झगड़ा करके निकल आई हो ना? नहीं, ये राय बराबर उम्र में इतना पहाड़ जैसा गुस्सा नहीं करते। जाओ अपने घर लौट जाओ। अगर आपको तकलीफ होती है तो ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन लेकिन हम अपने नानू के घर नहीं जाएंगे। हमारी बेटी नहीं भागी, बल्कि हमारे ससुर राय बहादुर के घर से नोटों की तिजोरी भागी है। और अब हमारा ससुर अपनी निवासी को तलाश नहीं करेगा, बल्कि एक बाप अपनी बेटी को तलाश करेगा, और फिर वो बुढ़ा मुझे तलाश करेगा, और इस बार सौदा मेरी बोली पे होगा। ये गोविंदा शराब तो? अरे नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि क्या है कि ये जो पति लोग होते हैं ना, ये तू चुप बैठ। अरे मां, गोविंदा ने क्या लड़की पटायला है? टैक्सी से सीधा अंपाला कार। गली गली बदनाम हो गया मेरे प्यार का मीटर डाउन हो गया। गली गली बदनाम हो गया मेरे प्यार का मीटर डाउन हो गया। पिंकी कहाँ है? पिंकी? हाँ पिंकी। ए भाई अपना दिमाग मत फिरा क्या, पहली बार बम्बई में ठंडी गिरेली, गरम मत कर, चल फोट। बेटी, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हम चलते हैं, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, आज तो इनका खून तक बह गया, अब हम यहां नहीं रहेंगे माँ जी, हो सके तो हमें माफ कर देना। मैंने तुम्हें इस घर से निकलवाने के लिए ये जंग नहीं लड़ी पिंकी। कल तक मैं तुम्हारे इस घर में रहने के खिलाफ था, मगर आज से ऐसे दरिंदों से बचाने का जिम्मा मेरा है। बस बस रुको, छुट्टा अंदर देता हूं। कमाल है, साला लंगड़े के माफी गया और घोड़े की तरह चल दिया। ए भाई ए, छुट्टा तो दो। अरे कहां छुट्टे के चक्कर में झोपड़े वालों को इस महल में पहुंचा दिया, चक्कर क्या है बड़ो? तुम क्या कीमत लोगे? अरे मीटर में जो गिरेला है वो ही लूंगा मैं। पिंकी के बारे में पूछ रहा हूं, पिंकी। ओ ओ ओ, आप समझा? कसम मैं टैक्सी के धंधे की जिसकी मैं रोटी खाता हूं सेठ, तुम्हारे इन गंदे हाथों में पिंकी तो क्या पिंकी की परछाई तक नहीं आने दूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पतरा थोड़ा सा अंदर चला गया, सामने की लाइटें फूट गई, बैटरी भी नहीं है, रेडिएटर से पानी निकल रहा है। अच्छा, वो जो भगवान जी है ना, भगवान जी कहते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो भगवान का नाम लेना चाहिए, 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 भगवान का।
भगवान दास 50,000 रुपये। लेकिन क्यों? अरे भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? चलो जल्दी पैसे निकालो अभी। नहीं नहीं, फोन दो मेरे को। अरे आप क्या करेगी फोन को? हाँ, हमको पैसे नहीं दोगे ना? नहीं हम देखते हैं तुम हमको पैसे कैसे नहीं देते। हम नहीं दे सकते। हेलो, हाँ नानू, हम पिंकी बोल रहे हैं नानू। हाँ नानू, हम ये भगवान दास की दुकान से बोल रहे हैं नानू। नानू देखिए नहीं, हमें पैसे नहीं दे रहा ना। माजी, गोविंदा कहाँ है? मगर ये ढेर सारे रुपए कहाँ से उठा के ले आएगा? अरे माँ जी, हमने कोई चोरी या डकैती थोड़ी ना की है, ये तो हम अपनी नानू की दुकान से लाए हैं। बेटी, ये जो हमारे घर में आए हैं ना, वो कहते हैं कि वो तुम्हारे पिताजी हैं। हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। बेटी, तुम्हारे बाप पर किए गए जुल्मों की कहानी इन तस्वीरों के पीछे है। से कभी मिलवाया नहीं। बेटी, मैंने जब जब तुमसे मिलना चाहा, तुम्हारे नानू ने मुझे नौकरों से धक्के दिलवा कर, लाठियों से लहूलुहान कर मुझे घर से बाहर फेंकवा दिया। मैं भूखा प्यासा सड़कों पे तड़पता रहा, भटकता रहा, और तुम्हारी मां ने मेरी जुदाई के काम में जहर खा लिया। बेटी मैं चलता हूँ, हफ्ते में 2-4 बार मिलने आ जाऊंगा। अच्छा बेटी, ये अंदर कैसे आया था? वो पिंकी के पिताजी हैं। ये पैसे मेरे लिए बहुत कम है। हाँ हाँ, अरे तो जैसे लुटेरे के लिए दुनिया की सारी दौलत भी कम है। कौन है आप? मैं पिंकी का नाना हूँ। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये तो बेकसूर हैं। पैसे तो हम लेकर आए थे। चलिए पिंकी भीम साहब, चलिए। नानू, नानू नहीं, नानू, नानू प्लीज, नानू मेरी बात मानिए। गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। खबरदार, जो मेरे बेटे को किसी ने हाथ लगाया उसने कोई धोखेबाजी नहीं की। ये चाल तो मैं समझ गया, लेकिन तुमने अपनी बेटी को अपने ससुराल भिजवा दिया, वो चाल अपने समझ में नहीं आई। जिस तरह इस वक्त तुम्हारा राजा और रानी मेरी चाल के जाल में फंस चुके हैं, उसी तरह वो दौलत का राजा और उसकी नवासी मेरी चाल के जाल में फंस जाएंगे। किसने दी मेरी जमानत? मैं तुम्हें नहीं, अपनी बेटी को बचाने के लिए यहां पर आया हूं। बरसों पहले इसी राय बहादुर ने तुम्हारी ही तरह मुझे भी इन जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था, लेकिन उस वक्त मुझे जमानत पर छुड़ाने के लिए कोई नहीं आया था। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो मेरी बेटी मेरी पत्नी की तरह जहर खा के आत्महत्या कर लेती। राय बहादुर ने मेरी मां को तो खत्म कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हारी मां को मरने से बचा लिया। क्या हुआ मेरी मां को? राय बहादुर के कुत्तों ने तुम्हारी मां को कुछ जख्म पहुंचाए हैं। ना बेटी ना, रो मत। तेरी और गोविंदा की शादी जरूर होगी, एक बाप के आशीर्वाद से होगी। देखता हूं तेरा नानू एक बाप से उसका हक कैसे छीनता है। तू चल मेरे साथ, चल आज। चलो मेरी बेटी, देर मत करो, नहीं तो मेरे सारे किए करा में पानी फिर जाएगा। हाँ पिंकी, तुम इन्हीं के साथ चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे नानू दौलत के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। पिंकी को घर वापस लाने का यही तरीका रहेगा? यही तरीका है, यही रास्ता है। तू आज भी क्यों नहीं आएगा खान? तुझे मेरी दोस्ती की कसम, मैं जाऊंगा
आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तेरी बाकी की जिंदगी तू इन्हें गिनने में गुजार देगा बेटा। इतने सारे रुपए लाया हूं मैं, सिर्फ मेरी पिंकी मुझे वापस लौटा दो। कसम मां के दूध की, अगर पिंकी यहां होती भी ना तब भी दौलत और मोहब्बत के सौदे में आप मात खा जाते, क्योंकि आप जैसे दौलत वाले की दुनिया में दिल की कीमत होती होगी, लेकिन हम प्यार करने वालों की दुनिया में दिल वो अनमोल चीज है जिसका कोई मोल नहीं होता। चाहे तेरे नसीब में मेरी दौलत नहीं लिखी, शायद तेरे नसीब में मेरे हाथों तेरी मौत लिखी। अगर गोविंदा की किस्मत में मोहब्बत के नाम पर मरना लिखा है तो कोई माई का लाल मुझे बचा नहीं सकता, और अगर तुम जैसे लोगों की नफरत को मारकर जीना लिखा है तो कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता। तुमने साबित कर दिया सेठ कि तुम अमीरों के पास दिल होता ही नहीं। राय बहादुर पागल हो गया तू, गलत आदमी पर गोली चला रहा है। असली मुजरिम तुम्हारा दामाद है, ये लो उसने ये चिट्ठी भेजी है तुम्हारे नाम। ससुर जी, आपकी तिजोरी की चाबी यानी कि मेरी बेटी पिंकी इस वक्त मेरे कब्जे में है। आप बिना पुलिस को खबर किए काली पहाड़ी पे नोटों के साथ पहुंच जाइए। आपका इकलौता दामाद। पिंकी को उसके लालची बाप के चंगुल से छुड़ाकर अब तुम ही ला सकते हो। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूं। आइए ससुर जी आइए। अपने कुत्तों से कहे एक एक नोट गिनकर देख ले, पूरे पैसे लाया हूं। डैडी ये सब क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी माँ की मांग में सिंदूर भरने की कीमत वसूल कर रहा हूँ बेटी। देख बुड्ढे, तेरी बेटी से शादी करके मैंने एक छोटी सी बाजी जीती थी, लेकिन खुद बेटी को जन्म देके मैंने जैकपॉट जीत लिया है। अभी मेरा एक आदमी इधर आएगा और मुझे बॉर्डर पार करा देगा, तब तक एक बेटी अपने बाप के पास रहेगी, अपने नाना के पास नहीं। आ गया। पैसा तो हम बहुत कमाया, आपके बाहर हम कहो ये गर्ल मांगता। उठा ये पैसे। गली गली बदनाम हो गया।